आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या मुद्दा मकसद है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले कुछ दिनों से किश्तवाड़ के अंदर डीडीसी चेयरमैन साहिबा ने जो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो किश्तवाड़ की है, जो रोजगार के लिए कंपनीज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है युवाओं को, किश्तवाड़ के विशेषकर, उसको लेकर उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया है एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से, हमारा भी समर्थन उनको है। जो एक जेन्युइन मुद्दा उन्होंने उठाया है और इस मुद्दे के साथ साथ किश्तवाड़ के बेरोजगार युवाओं की जो उन्होंने बात की है, तो इस पर हमारा समर्थन उनके साथ है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, किश्तवाड़ में जितनी भी कंपनीज यहाँ फंक्शन कर रही हैं, चाहे वो L&T हो, चाहे वो एफकॉन हो, चाहे वो पटेल हो या JP हो, किश्तवाड़ में वो फेल साबित हुई हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। आप देखिए, सफाई कर्मचारी के लिए भी इन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर से लाना पड़ता है या दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट से लाना पड़ता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कंपनीज यहाँ, जो मोनोपोली इन्होंने यहाँ शुरू की है, जो हिटलर तानाशाही यहाँ इन्होंने शुरू की है। तो जो एक जेन्युइन सा मुद्दा किश्तवाड़ के युवाओं के लिए है कि उनको रोजगार चाहिए। अब देखिए, जिसके पास जो सक्षम है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास डिग्री है, जो इंजीनियरिंग करके हैं, पॉलिटेक्निक करके हैं, जिन्होंने दूसरे भी पावर प्रोजेक्ट्स में काम किया है, बनाया है उनको, तो आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और कंपनीज के पास जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो उनको धिक्कार दिया जाता है कंपनीज के द्वारा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने किश्तवाड़ में किन युवाओं को आपने वहां नौकरी दी है? आप देखिए, ये कंपनी जो है सारी की, विशेष रूप से मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये मुंह देखकर एम्प्लॉयमेंट का काम कर रही है, विशेषकर चिट्ठी के माध्यम से या किसी फोन कॉल पे। आप देखिए, एक व्यक्ति पढ़ लिख कर बाहर पढ़ने जाता है, डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, वो सोचता है कि रोज गुजार हो किश्तवाड़ का, दूरदराज किश्तवाड़ के दूरस्थ गांव का, और जब उसके घर में ही एम्प्लॉयमेंट हब बन चुका है किश्तवाड़, जब उसके घर में ही रोजगार मुहैया हो सकता है, तो कहाँ उसकी वो डिग्रियां हैं? अब देखिए, पीछे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रॉपर फेयर तरीके से उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे इंटरव्यूज लेंगे, एग्जाम लेंगे, तो फिर हम एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ की यूथ को, पर वो फेयर प्रोसेस भी कहाँ गायब हो गया, वो भी हमें पता नहीं चलता है। एक एक दो दो करके युवा, वो भी जो इन्फ्लुएंशियल है, किसी पार्टी का उसके संरक्षण प्राप्त है या किसी एडमिनिस्ट्रेटर का कुछ खास है, तो वही एम्प्लॉयमेंट पाता है इन पावर प्रोजेक्ट्स में। बल्कि आम जिसके पास ना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसको कोई बैक नहीं है, तो वो बेचारा धरा का धरा रह जाता है खुले हाथ देख के। चिट्ठी किसकी चल रही है, किसकी चिट्ठी? पूरे किश्तवाड़ को पता है चिट्ठी किसकी चल रही है, डीओ लेटर किसके जाते हैं, किसकी फोन कॉल पर ये कंपनीज काम करती हैं। मैं इन कंपनियों को, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, ये ईस्ट इंडिया कंपनियां यहाँ पर राज कर रही हैं, जिन्होंने किश्तवाड़ के युवाओं को विशेष रूप से जो इनका शोषण कर रही है। और आप देखिए, लैंड सबसे पहला काम इन कंपनियों को करना था, जिन्होंने अपना पेट काट कर, जो किसान हमारे जो जहाँ पर ये कंपनियाँ शुरू हुई हैं, जो जिन किसानों की ज़मीनें गई हैं, जिनका रोज गुजार वो वहाँ खेती करते थे, तो उनका वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, तो आज उनके पास ज़मीन नहीं है और उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो वो कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे उसका मुस्तकबिल संवारेगा, और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर वो कंपनीज के अथॉरिटीज के पास जाते हैं तो उन्हें कहते हैं नहीं, अभी लाखों बहाने हैं, पर किसी विशेष रूप से किसी राजनीतिक पार्टी का हो तो उसे तो तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कल मीटिंग हुई यहाँ डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की, ADGP थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहां पर भी जो है वो कुछ हाथ नहीं आया, तो उस मीटिंग को लेकर क्या बोलेंगे आप? पूजा ठाकुर को रोते हुए भी देखा गया। देखिए, हमने मीडिया के माध्यम से ही हमने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि किस प्रकार से वो ड्यूकॉम साहब किश्तवाड़ आए थे विशेष रूप से सुनने को, भी क्या क्या चल रहा है पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। पर दुर्भाग्य है, जैसा हमको सुनने को मिला, उन्होंने तो इस विषय पर लेकर मुझे लगता है बात ही नहीं की, योजनाएं बात ही नहीं की है, दरकिनार कर दिया। तो उन्हें जो यहाँ का जो लोकल युवा है, जो डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, पर उसकी बात को सुनने के लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को तो कोई टस से मसी नहीं है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि फ्रूटफुल वो मीटिंग रही है। और जिस प्रकार से DDC साहिबा ने वहाँ जो उनका दुख है किश्तवाड़ के बेरोजगार युवाओं के लिए, जो वहाँ रोने की शक्ल में फूट पड़ा, तो मुझे लगता है किश्तवाड़ के युवाओं को
आगे आना चाहिए, जिस प्रकार से इस देश को आजादी दिलाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठा हुए थे और तब जाके अंग्रेजों को बाहर किया था, उसी प्रकार से किश्तवाड़ के अंदर जो जिनको सत्ता का नशा सर चढ़कर ये बोल रहा है इन कंपनियों का, इन कंपनियों को एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनके, उन पर ये सत्ता का नशा जो चल रहा है, जो हिटलर तानाशाही यहाँ पर अपनाई है, इसको ठीक करने के लिए यहाँ का जो समाज है, यहाँ के जो बेरोजगार युवा है उनको इस हक जो उनका हक है इसको छीनने के लिए हमारी डीडीसी साहिबा का समर्थन करना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठना चाहिए। बेशक हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, हमारी पार्टियां अलग हों, पर वो विषय बाद में हम देख लेंगे, उसका निपटारा हम बाद में कर लेंगे। पर आज किसी ने अगर कोई यहाँ के युवाओं की अगर हक की बात कर रहा है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना उसके साथ बैठना चाहिए और इस हक को छीनने के लिए आवाज बुलंद करनी कुछ चाहिए। कुछ इसको पॉलिटिकल ड्रामा बता रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कुछ ये भी बता रहे हैं कि डीडीसी चेयरमैन को रिजाइन करना चाहिए। देखिए मैं उन्हें किस नाम से पुकारूं, वो जो ये जो कंपनीज हैं वो कंपनीज के एजेंट हैं जिन्हें मंथली वहां से कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ वो चल रहा है, उनका मोनोपोली उनके साथ चल रही है। कुछ यूनियंस हैं, कुछ लीडर्स हैं जो जिनकी कुछ चल रही है। होना तो ये चाहिए था कि आज किसी ने बड़ी हिम्मत करके जहाँ किश्तवाड़ के युवाओं की बात की है तो उसको एप्रिसिएशन की जगह, उसका साथ देने की जगह आप उसे नाम दे देते हैं ये जी पॉलिटिक्स चल रही है। अगर पॉलिटिक्स चल रही होती है तो दिख जाता ना, बात सिर्फ केवल और केवल बेरोजगार युवाओं की चल रही है, लैंड लूजरों की चल रही है। भाई हमारे जमीन जायदाद, हमारे जंगल, हमारा पानी, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे सब तबाह हो रहे हैं, सब खत्म करके तो किश्तवाड़ को आखिर मिल क्या रहा है, किश्तवाड़ के लोगों को मिल क्या रहा है। तो आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए हमारी ये अपील है किश्तवाड़ के बेरोजगार युवाओं से कि आप अपने हक के लिए आगे आइए, आप शाना बशाना, हम भी कुछ ही दिनों बाद इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हों। धन्यवाद।